Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माकी बावर्ची। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार धुआं वाला गोश्त की रेसिपी, और ये बहुत जल्दी बन जाने वाली, झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मज़ेदार गोश्त के लिए गोश्त। मैंने यहाँ पे बीफ का गोश्त ले लिया है, 3/4 किलो बोनलेस मीट है, और ये आप मटन में भी बना सकते हैं, आप बीफ में भी बना सकते हैं। मैंने बीफ ले लिया है यहाँ पे। थोड़ा सा खड़े मसालों में लेंगे 1 स्टार अनीस, चक्री फूल 1 और जावित्री का फूल 1 ले लेंगे। ये जो है 2 ही इसमें जाएंगे खड़े मसालों में। और दही जाएगा 1 कप के करीब। सूखे मसालों में हल्दी और लाल मिर्च जाएगी, 2 टीस्पून के करीब। मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें, मिर्चें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। और भुना कुटा ज़ीरा धनिया जाएगा इसमें, धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब वो डाल दें। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। वन टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक और हरा धनिया का पेस्ट। इसकी जगह आप, ये ना हो आपके पास, दो टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। और ये गरम मसाले का वीडियो तो मैं पहले डाल ही चुकी हूँ, 1 टीस्पून के करीब वो डाल दिया। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें सारे मसाले डालने के बाद, और इसका मैं मोटा मोटा कूट लूँगी इसको। और देखिए इस तरह से मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया इसका। बस इसको मिक्स करना है, और इसमें जाएगा नमक। वन टीस्पून के करीब नमक डाल दें। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें नमक। और इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये जो सारा मसाला, गोश्त, ये जो सारी चीज़ें हैं कुकर में डाल दें। कुकर में डालने के बाद इसमें जाएगा 1 कप के करीब पानी। ये पानी डाल दें। गोश्त और पानी डालने के बाद 1 कप के करीब पानी डाल दें, और इसको ढक्कन लगा देंगे कुकर का, और 5 विसल के करीब इसमें पका लेंगे।
पांच सीटी आने तक। जब तक ये पक रहा है थोड़ा मसाला बनाएंगे। तरबूज के बीज ले लें एक टेबलस्पून, खोपरा एक टेबलस्पून, तीन हरी इलायची इसका मैं पाउडर बना लूँगी। और यहाँ पे पाउडर बन चुका, एक कप तली हुई प्याज का पेस्ट। और देखिए पांच सीटी में भी गोश्त गल चुका हमारा अच्छे से। और एक कढ़ाई ले लें, कढ़ाई में डाल देंगे दो टेबलस्पून के करीब घी। घी डालने के बाद इसमें डाल देंगे तली हुई प्याज का पेस्ट। दो मीडियम साइज़ की प्याज ली और उसको नॉर्मल चॉप कर लिया और उसको फ्राई करके थोड़ा सा बस पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सा पेस्ट बन जाए उस तरह से। बस इसको भूनना है। और ये जो पाउडर बनाया था खोपरा इलायची और तरबूज के बीज का, ये डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस इसको भूनेंगे एक से दो मिनट के करीब। भून ले, ये सारा जो है गोश्त इसमें डाल देंगे। बस गोश्त डालने के बाद बस इसको अच्छे से भूनना है, थोड़ा सा गोश्त जो है भूनते वक्त थोड़े से पीसेस जो है मैश हो जाए अच्छे से, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस गोश्त में। भूनने से क्या होगा कि थोड़ी बोटियां जो है वो मैश हो जाएंगी और थोड़ी अच्छे से खड़के रहेंगी, तो बहुत अच्छा आएगा इस मज़े का बनेगा ये। देखिए इस तरह से मैंने 4 से 5 मिनट के करीब इसको भूना है। भूनने के बाद कोयला दहका लिया यहाँ पे, और इसमें जाएगा तेल घी जो भी आप डालना चाहें डाल दें और दम पे रख दें इसको। और मैंने फ्लेम बिल्कुल भी बंद कर दिया उस वक्त कि जिस वक्त ये दम हो रहा था, कोयले का धुआं दे रही थी। और ये निकाल दूंगी और हरा धनिया डाल दें। बस इसको हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको गरम गरम रोटी पराठा या फिर नान के साथ सर्व करें। ये बहुत जल्द ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। और गोश्त लाया कि क्या बनाए समझ नहीं आ रहा, तो ये बहुत आधे घंटे में तकरीबन बनकर तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इसी तरह से सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।